दोस्तों आज की वीडियो में डिस्कस करूँगी जिंक सल्फेट को फसलों में कौन कौन से तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं ज़्यादा अच्छे रिजल्ट के लिए और कौन कौन सी फसलों की अवस्थाओं में आप इस्तेमाल कर सकते हैं कौन सी फसलों में इसका इस्तेमाल करना बहुत ही जरूरी है परफेक्ट डोज क्या होनी चाहिए प्राइस कॉम्बिनेशन संपूर्ण जानकारी जानने के लिए वीडियो के अंड तक जरूर बने रहें नमस्कार दोस्तों मैं हूं अनिता सिंह आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल इंडियन ऑर्गेनिक जर्नी दोस्तों वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इसी तरीके की नॉलेजफुल जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे तो दोस्तों जिंक सल्फेट जो कि जिंक और सल्फर का कॉम्बिनेशन आता है जिंक माइक्रोन्यूट्रिय है और सल्फर सेकेंडरी पोषक तत्व है जिंक इसमें 33 परसेंट आता है और सल्फ आता है जिंक सल्फेट मोनोहाइड्रेट नाम से ये बहुत सारी कंपनियों का मार्केट में अवेलेबल है किसी भी कंपनी का आप यूज कर सकते हैं सभी के अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं फसलों की बात की जाए कि कौन कौन सी फसलों में आपको जिंक सल्फेट यूज करना चाहिए तो सभी प्रकार के अनाज वर्गीय फसलें सब्जी वर्गीय फसलें दलहनी तिलहनी सभी में इस्तेमाल कर सकते हैं साथ ही अगर बागवानी कर रहे हैं तो सभी प्रकार के पौधों में भी आपको जिंक सल्फेट जरूर यूज करना चाहिए जैसे कि धान, गेहूं गन्ना कपास सोयाबीन जो बाजरा मक्का मटर सरसों मूंगफली सूरजमुखी भिंडी टमाटर प्याज लहसुन सेम गाजर मूली उसके साथ ही प्लांट्स की बात की जाए तो आम अंगूर अमरूद नींबू किन्नू संतरा बनाना अनार इस तरीके से सभी प्रकार के फसलों और पौधों में जिंक सल्फेट का जरूर इस्तेमाल करना चाहिए प्राइस की बात की जाए तो चार के जी के पैकेट पे एमआरपी है चार सौ बीस रुपए और दोस्तों आप जब भी जिंक सल्फेट परचेज करें तो कितने में आपने परचेज की किस कंपनी की कितने में परचेज की आप कमेंट करके जरूर बताएं। अब दोस्तों जिंक सल्फेट इस्तेमाल करने का सबसे बेस्ट तरीका कौन सा है और परफेक्ट डोजी क्या होनी चाहिए तो अगर आप दोस्तों अनाज वर्गीय फसलों में इस्तेमाल करते हैं इसकी परफेक्ट डोज रहेगी आप यूरिया या फिर सीविड एक्सट्रेक्ट है या एमओपी पी म्यूरेट ओ पोटास है इनके साथ में मिला करके आप डालते हैं तो जो चार के जी का बैग आता है ये डालेंगे तब भी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा लेकिन आपकी मिट्टी में आपकी क्रॉप में अगर जिंक की डिफिशियंसी ज्यादा रहती है सल्फर की डिफिशियंसी ज्यादा रहती है और दलहनी और तिलहनी फसलें जिनमें की सल्फर की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है तो उस सिचुएशन में आप पाँच से आठ के जी भी इसकी डोज ले सकते हैं अगर नॉर्मल है आपकी मिट्टी में जिंक की डिफिशियंसी नहीं है आपकी क्रॉप में अगर जिंक की डिफिशियंसी देखने को नहीं मिलती है साथ ही आपने अगर अपने बिजाई के समय में भी सल्फर वगैरह यूज किया है या अन्य कोई सल्फर युक्त फर्टिलाइजर जैसे एस एस पी वगैरह आपने यूज किए हैं तो चार केजी के जी प्रति एकड़ के हिसाब से सफिशियंट है इसकी डोज लेकिन अगर कमी है तो डोज आप बढ़ा करके भी ले सकते हैं इसको यूज करने का सबसे बेस्ट तरीका है यूरिया प्लस जिंक सल्फेट प्लस इसके साथ में सीविड एक्सट्रैक्ट अगर आपने के समय नहीं है, तो अच्छे से मिक्स कर लेना है और फिर आप छिड़काव विधि द्वारा अपनी क्रोप में डाल दें तुरंत पानी जरूर चला दें दोस्तों अगर आपने छिड़काव कर दिया और तुरंत पानी नहीं चलाया डोज इसकी ओवर ले ली ज्यादा ले ली तो फिर आपको स्कॉर्चिंग की समस्या अपने क्रॉप में देखने को मिल सकती है पत्तों पे जहां पे पत्तों पे ये गिरा हुआ रह जाएगा लंबे समय तक वहां पे स्कॉर्चिंग की समस्या आएगी तो इसलिए आप तुरंत पानी जरूर चलाएं ड्रिप से अगर आप चला रहे हैं सब्जी वर्गीय में, फसलों में इस्तेमाल करना चाह रहे तो सब्जी वर्गीय फसलों में आप इसकी डोज कमी रखें तब आप तीन से चार के प्रति एकड़ के हिसाब से इसका इस्तेमाल करें स्प्रे से भी आप इसका यूज कर सकते हैं स्प्रे इस में इसकी परफेक्ट डोज रहेगी एक केजी, दो सौ लीटर पानी में आपको मिक्स करना है और एक की में करना है। 200 लीटर पानी से कम पानी आपको नहीं लेना है दोस्तों ये चीज का जरूर ध्यान रखेंगे अगर प्रति लीटर के हिसाब से बात करें तो चार से पांच ग्राम पर लीटर के हिसाब से गोल तैयार करके स्प्रे कर सकते हैं एक पंप जो स्प्रे टैंक आते हैं छोटे पंद्रह से बीस लीटर पंद्रह सोलह लीटर का टैंक आता है उसमें आप लगभग पिछहत्तर ग्राम तक आप डाल सकते हैं और मिक्स करके स्प्रे कर सकते हैं सबसे बेस्ट इसके साथ में कॉम्बिनेशन होता है दोस्तों यूरिया के साथ में अगर आप अनाज वर्गीय फसलों में डाल रहे हैं तो यूरिया के साथ में मिक्स करके डाल सकते हैं सीविड जो भी आते हैं जैसे बायोविटा है इसको की सागरी का दानेदार फॉर्म में आती है या बायोजाइम है या धन जयमय उनके साथ में मिला करके डाल सकते हैं म्यूरेट ऑफ पोटास के साथ में भी आप मिला करके डाल सकते हैं लेकिन ऐसे फर्टिलाइजर जिनमें कि फोस्फोरस आता है फोस्फेट युक्त तो फर्टिलाइजर के साथ में नहीं मिलाना है और नाइट्रेट युक्त तो फर्टिलाइजर के साथ में नहीं मिलाना है क्योंकि जिंक और फोस्फोरस का कॉम्बिनेशन नहीं होता है और साथ ही सल्फेट और नाइट्रेट का भी कॉम्बिनेशन नहीं होता है तो इस चीज का आप जरूर ध्यान रखेंगे इसके साथ में नाइट्रेट और फोस्फेट युक्त फर्टिलाइजर के साथ में कॉम्बिनेशन नहीं करना है साथ ही ह्यूमिक एसिड के साथ में भी आप इसको मिला करके ना डालें इससे रिलेटेड और भी कोई क्वेरी है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं जानकारी अच्छी लगी है वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा किसान दोस्तों तक शेयर जरूर करें धन्यवाद